you know, 86% of NCAR registrars think that women are not competent to negotiate the terms of the conditions of the contract. मतलब उनको लगता है कि उनको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि वो ये उनका काम ही नहीं है. 2015 के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी पंजाब के हद तक कि अगर कोई भी निकाहनामा का कॉलम जो है कटा हुआ होगा या खाली छोड़ा जाएगा तो उस पर सजा है. आज के पॉडकास्ट में वी आर कंटिन्यूइंग आवर कन्वर्सेशन ऑन द निकाहनामा. ये अनफॉर्चुनेटली चैलेंजेस बहुत लेवल पर हैं. खाली निकाह रजिस्ट्रार्स तो एक एस्पेक्ट है इसका, बट जुडिशरी भी है इसमें, आपकी जनरल सोसाइटल के इशू मतलब आ जाते हैं, विद इवन यू नो पार्लियामेंटेरियंस हु आर नॉट नेसेसरली ऑन द सेम पेज as you know what the basic fundamental rights are in the marriage. We are joined by Barrister Khadija Bukhari, an advocate of the High Courts of Pakistan with almost 11 years of experience in legal research. Welcome to another episode of Out of the Box. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स. आज के एपिसोड में वी आर जॉइंड बाय बैरिस्टर खतीजा यास्मीन बुखारी. शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. उनका अब तक 11 साल का एक्सपीरियंस रहा है लिटिगेशन और लीगल रिसर्च के अंदर. उसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो सर्विंग एज द रोल ऑफ डायरेक्टर लिटिगेशन एंड एडवोकेसी एट मुसावी. एंड आई वुड लाइक टू फॉर्मली इंट्रोड्यूस हर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर having me. Thank you for joining us. Let's just like dive right into it, kyunki main janna chahti hu ki musavi mein aap log kis tarah actively ek role play apna kar rahe hain ki logon ko educate kiya jaye regarding muslim marriage laws, regarding nikahnama. जी बिल्कुल. सो मुसावी के अंदर हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि वुमेन्स मैरिज राइट्स के हवाले से है, और उसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अवेयरनेस एक लेवल पर, बट मल्टी लेयर्ड उसकी अप्रोच है. जैसे हमने वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा कराई स्टूडेंट्स के साथ, एंड वी केप्ट एज ब्रैकेट के यू नो एज यंग एज 14 से लेके अराउंड 22 to 24 को हमने ऑडियंस को टारगेट किया, स्टूडेंट्स को, बिकॉज वी अंडरस्टूड के मैरिजेस यू नो एज यंग एज हो रही हैं 14, और अवेयरनेस at that level भी देनी चाहिए. So हमने वो जो workshops कराई वो पूरे पाकिस्तान में, you know, पेशावर में हमने कराई, सिंध में काफ़ी जगहों पर, हैदराबाद, ठट्टा, बहुत communities में जाके भी हमने कराई, मदरसाज में भी जहाँ पर बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं. और दिस वॉज नॉट कि सिर्फ हमने औरतों को वो वर्कशॉप्स दी, हमने ऑल्सो यंग बॉयज़ एंड यू नो मैन उनको भी हमने ये वर्कशॉप्स दी. बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या था, एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट निकाहनामा. हाँ, अक्सर हमने देखा है कि निकाहनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में बात नहीं होती. शादी के अंदर हर चीज़ ज़रूरी है, बट निकाहनामा जो है वो उस तरह से ज़रूरी नहीं होता. हालांकि वो ही एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आप एक यू नो शादी के बंधन में आ रहे हैं. लेकिन हमने ये देखा, हमने जब अपनी सर्वेज कंडक्ट की, कि हर चीज़ प्रायोरिटी पे होती है निकाहनामा के अलावा. क्या कपड़े पहनने हैं, यू नो वेंडर्स कौन से हैं, फोटोग्राफी, एंड लाइक द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, बट इट जस्ट द निकाहनामा डजंट इवन फीचर ऑन दैट लिस्ट. तो ये हमें था कि यू नो निकाहनामा है क्या, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या शिक्के हैं, क्या क्लॉजेस हैं जो दोनों पार्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इस्पेशली वुमेन, क्योंकि उनके पास ये एक्सेस बिल्कुल भी नहीं होता. अक्सर आपने देखा होगा ये घर के बड़े हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उन्होंने भी उस दिन जिस दिन वो निकाह खान आ गए हैं या मौलवी साहब आ गए हैं तो बस जल्दी से वो भरना है जो भी, और हक में है डिसाइड कर दिया और जो भी. सो हमें ये लगा कि ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल पर भी अगर आप अवेयरनेस देंगे स्टूडेंट्स को तो देन अभी से ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है. यू नो घर में बात होगी, जब घर में बात होगी कि क्या है, अगर किसी की शादी हो रही है, किसी के जानने वाले की शादी हो रही है, तो निकाहनामा के बारे में सोचा जाए, निकाहनामा को टाइम दिया जाए कि उसको पढ़ा जाए. सो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, क्योंकि उसी से आपके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एक है ना ये बेसिकली, सो उसी से आपके सारे राइट्स और कंडीशंस वगैरह डिटरमिन होती हैं. तो स्टूडेंट्स थे, फिर निकाह रजिस्ट्रार्स के साथ हमने ट्रेनिंग्स की, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी ड्यूटी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो निकाह रजिस्टर करवाएं. और अक्सर औकात निकाह रजिस्ट्रार्स ही निकाह खवान होते हैं जो निकाह पढ़ाते हैं.
तो वो इसके अंदर भी शामिल हों, उनको भी आगाही दी जाए कि क्या है निकाहनामा के जो राइट्स हैं वो काटे ना जाएं, वो सारी जो एक हमारी सोशल इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं जिनके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, हालांकि वो फोर फ्रंट पे हैं इसके. सो ये थे फिर जजेस के साथ हमने ट्रेनिंग्स करवाई ताकि यू नो जुडिशरी को भी उनकी भी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, इन्फोर्समेंट नहीं इम्प्लीमेंटेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है वो पुख्ता हो रिगार्डिंग जो क्लॉजेज हैं. और उसमें भी बहुत हमने देखा गैप्स थे लीगल नॉलेज में, क्योंकि अगेन इसको उस तरह से डिस्कस किया नहीं जाता. कब डिस्कस किया जाता है? अनफॉर्चुनेटली जब शादी ख़त्म हो रही होती है और वो वक्त होता है कि आप सोचते हो कि क्या था क्या नहीं. हालांकि बहुत मतलब अजीब बात है कि जिस टाइम शादी हो रही है तब नहीं आपने इसके बारे में बात करनी, बट जब शादी ख़त्म हो रही है तब सब ने इसके बारे में बात करनी है, देन यू गो बैक इन मेमोरी लेन और वो सब कुछ. सो मुसावी कॉन्सेप्ट वॉज कि जितनी द एंट्री पॉइंट वॉज निकाहनामा, और निकाहनामा से राइट्स आपके एमनेट होते हैं. इसमें बस मैं ऐड करती चली हूँ कि जो लिटिगेशन है ना आपकी, वो अराउंड हमने देखा 60-70% आपकी फैमिली डिस्प्यूट्स हैं. और हमने अंडरस्टैंड किया कि देखें अगर निकाहनामा के क्लॉजेस प्रॉपरली फिल आउट हों और आपस में एक अग्रीमेंट हो पार्टीज़ की, क्योंकि उनको पता था कि क्या था क्या नहीं, तो काफ़ी सारे जो डिस्प्यूट्स हैं ये वहीं पे सॉल्व हो जाए, ये डिस्प्यूट्स बने ही ना. क्योंकि हर शादी का ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट के ज़रिए हो, अगर होनी भी तो वो एक एमिकेबल तरीका भी हो सकता है, एक सिविलाइज तरीका भी हो सकता है. तो द पॉइंट इज के वो जब तक अवेयरनेस उनको नहीं आएगी तब तक ये इश्यूज चलते जाएंगे. सो द होल पॉइंट इज यू नो कि वो मल्टी लेयर्ड अप्रोच थी हमारी कि हर स्टेक होल्डर को हम इसमें शामिल करें ताकि एक प्रोटेक्शन, होलसम प्रोटेक्शन दी जाए. मतलब द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि जिन लोगों का हो रहा होता है ना निकाह उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. ये मैंने बहुत लोगों से मतलब जो प्रोफेशनल हैं इन दिस अरिना उन्होंने यही बात बार बार स्ट्रेस की है और हर एक ने ये बात ब्रिंगअप की है कि उनकी तरफ से कोई से नहीं है कि बाकी घर वाले सब इन्वॉल्व होंगे हेवली कि निकाहनामा में क्या क्या लिखा जाए. बट जैसे आप क्योंकि आपने मैंशन किया कि सिर्फ लड़कियों के को वर्कशॉप्स का हिस्सा नहीं बनाया, लड़कों को भी बनाया, क्योंकि दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं. बिल्कुल. इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ. जब हमने लड़कों के साथ ये वर्कशॉप्स कराई स्टूडेंट्स, तो हमने उनको कहा कि देखिए हक मेहर किसने देना है? मर्द ने देना है ना औरत को. मर्द को पता ही नहीं उसने हक मेहर क्या देना है. फिर आधी लिटिगेशन आपकी कोर्ट्स में आ रही है कि हमने तो ये हक मेहर लिखवाया ही नहीं, ये तो औरतों की तरफ से उनकी फैमिली की तरफ से लिखवाया गया, तो हमें तो पता ही नहीं था. तो हमारे साथ भी ज्यादती होती है यू नो. सो अगेन वो एक डिफरेंट उसको एंगल से लेते हैं. तो इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नॉट एक्सक्लूड देम फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, राइट? क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है. सो जिसने हक मेहर देना है उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या हक मेहर देना है. सिमिलरली जिसका हक मेहर है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट पता हो कि क्या है वो हक मेहर जो उसका है, उसके माँ बाप का नहीं, उसके इन लॉज का नहीं, किसी का नहीं, वो उसकी प्रॉपर्टी है या उसका उसके ऊपर सोल ओनरशिप है. तो इस तरह की भी इंफॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आया कि नहीं थी बेसिक लेवल के ऊपर कि हक महर जो है वो किस तरह का हो सकता है. उसके अंदर टाइप्स होती हैं कि आप प्रॉम्प्ट टावर है यू नो मॉड्यूल गैर मॉड्यूल और उसमें आप क्या क्या लिखवा सकते हैं, क्या उसमें प्रॉपर्टी आ सकती है, उसमें गोल्ड है, कैश है. हम तो यू नो काफ़ी जगहों पे हमने देखा है तो अभी तक चल रहा है शरई हक महर. ये भी नहीं कि वो है क्या अमाउंट, नहीं बस शरई हक महर. तो और या कुछ केसेस में कि हक महर जो है बिल्कुल माफ़ हो सकता है. तो ये मिसकंसेप्शंस जो हैं हमने काफ़ी हद तक उसमें अवेयरनेस दी कि नहीं लीगल पोजीशन ऐसी नहीं है. और द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे लिए था वो ये था कि हम लीगल बात करें, क्योंकि ये हमारा पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं है, ये बात है लॉ क्या कहता है और आईन और कानून जो हक देता है वो कोई आपसे ना ले और उसकी आगाही आपके पास हो. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो अनफॉर्चुनेटली वो दो पार्टीज होती है वो बहुत डिटैच्ड होती है ना, उनका इंटरेस्ट होता है अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे, एंड देन एवरीबडी एल्स कम्स इन द पिक्चर.
ऑल्सो जैसे घर वालों की हम बात अगर कर लें तो उनको ही नहीं पता होता कि एक लड़की को उसके हक में से अगर आप डिप्राइव करें कि नहीं, वो ये ना समझे कि हम लालची, हम तुम्हें सब देंगे, जब हमारी तरफ से तुम्हें मिल रहा है तो उनसे मांगने की क्या ज़रूरत। ये वाली स्टेटमेंट्स आर वेरी कॉमन, आपने इर्द गिर्द सुना होगा, लाइक इन सो मेनी इंस्टेंसेस, तो माफ़ करा दो या कोई ज़रूरत नहीं है मांगने की। पर एट द सेम टाइम हम भूल जाते हैं कि ये उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अगर और हक मेयर के साथ साथ जैसे मंथली अलाउंस का भी एक पूरा एक पूरी एक डिबेट बन सकती है कि हम भूल जाते हैं कि औरत ने जब मतलब उसको जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी से वो डिप्राइव हो जाएगी, कल को कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, नॉट एवरी मैरिज यू नो सस्टेन्स इट्स एनर्जी थ्रू आउट, तो फिर क्या करेगी वो औरत। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आपने की, ये बहुत ज़रूरी है। और मेजॉरिटी केसेस में हमने ये देखा कि हक महर की जहाँ तक नॉलेज थी वो पूरी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा तो बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी। यानी कि एक और कॉलम है निकाहनामा का, जैसे आपने जिक्र किया, कॉलम नंबर 20 है, वो मेंटेनेंस के हवाले से, उसके अंदर भी एक औरत चाहे तो लिखवा सकती है कि उसको कितना मंथली मेंटेनेंस मिलेगा, तो जो खर्चा उसका है, यू नो, या कुछ लोग उसको कहते हैं पॉकेट मनी या जो भी, मतलब बट आई वुडंट यूज दैट टर्म, आई वुड से दैट दिस इज यू नो हर फाइनेंशियल राइट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की कि वो उसको जो है महीने का खर्च दे। तो अक्सर औकात पे हमने क्या देखा है कि वो उसके ऊपर एक लंबी सी लाइन डाली जाती है, वो जो दूसरा पेज है निकाहनामा का वो तो होता ही ऐसे है जैसे कटा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में ना कोई बात है ना उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं लोग। वही जो सोशल इश्यूज जिसका आपने जिक्र किया है कि क्या समझेंगे ये अभी से इस तरह से बात कर रही है तो बाद में क्या किस तरह से हो जाएगा, तो वो सारे, और ये नहीं कि सिर्फ इन लॉज की तरफ से ये बातें आती, ये आपकी अपनी सोसाइटी में आपके फुफियाँ मामे यू नो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो वो भी इसका हिस्सा है, सो मच सो कि आपके अपने पेरेंट्स भी उस प्रेशर्स में आ जाते हैं। जैसे हमने देखा कि डेलीगेटेड राइट टू डिवोर्स की अगर हम बात करें, तलाक तफीस का जो हक है वो कॉलम नंबर 18 के अंदर है, अक्सर औकात पे कटा हुआ जाता है। और ये हमने जो रिसर्च हमारी जो स्टडी है वो यही बताती है कि इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, और जहाँ तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है भी तो इट्स हश हश, नहीं नहीं इसके बारे में तलाक का लफ्ज़ तो शादी के टाइम कैसे, यू नो, सो वो बहुत इस पे काम करना अभी बाकी है कि किस तरह से ये माइंडसेट चेंज हो। एक बात इसमें मैं ऐड करती चलूँ कि ये सिर्फ रूरल इशू नहीं है, लाइक यू नो आप समझें कि कोई बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे जो औरत है उसके पास एक्सेस नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए ये इशू है, ये एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन जहाँ पे एक्सेस है भी और जहाँ पे इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी है, इट्स नॉट कि वो ऑटोमेटिकली राइट मिल रहा है, वहाँ पे भी वो राइट कटा जा रहा है। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, जानने वाले हैं, जिनके घरों में ये बात नहीं हो सकती, हालांकि उनको सब पता है, वो खुद भी चाहती हैं कि उनको ये राइट दें, सो मच सो कि उनके हस्बैंड्स भी चाहते हैं कि वो उनको राइट दें। लेकिन अगेन इट्स लाइक ये क्या बात, आप ये आजकल के बच्चे जो हैं इनके तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख के हैं, और उनको तो वो उल्टा उनके ऊपर इस तरह से आती है। तो जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे, ये सोशल इश्यूज उन दोनों को अफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स डिग्रीज का फर्क है, लेकिन इट्स अ टैबू टू टॉक अबाउट डिवोर्स, टू टॉक अबाउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हैविंग एन इक्वल राइट टू डिवोर्स इज ऑफ द टेबल। बिल्कुल, और मैं ये बात भी मेंशन करूंगी कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता हो, और अच्छी बात है अगर पता भी है, कि पंजाब मुस्लिम फैमिली लॉज अमेंडमेंट जो 2015 वाला है उसमें लिखा भी हुआ है कि आप ये खाली नहीं छोड़ सकते हैं कॉलम्स, और ना आप ये कट वगैरह लगा सकते, बिकॉज समवन जो हमारे इससे आपसे पहले जो आए थे वो भी ये स्पेसिफाई करे थे कि इसके लीगल रिपरकशंस होते हैं, लाइक निकाह रजिस्ट्रार का भी इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें कि वो खाली ना छोड़ दें या फिर वो कांटे वगैरह ना लगा दें, तो उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो दे मेक श्योर कि अगर कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। बिल्कुल, निकाह रजिस्ट्रार्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने निकाह रजिस्टर करवाना है,
और लॉ के अंदर आप सही कह रही हैं, 2015 के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी पंजाब के हद तक कि अगर कोई भी निकाहनामा का कॉलम जो है कटा हुआ होगा या खाली छोड़ा जाएगा तो उस पर सज़ा है, किसको, निकाह रजिस्ट्रार को. और आई थिंक उसके अंदर कोई अराउंड 1 month और अराउंड 25,000 उसमें फ़ाइन भी है. सो इट्स बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दैट निकाह रजिस्ट्रार को हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन नहीं है, लेकिन द लॉ स्टैंड्स 2015 ऑनवर्ड से है. और इस पे अगेन अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है. हमने जब निकाह रजिस्ट्रार्स की ट्रेनिंग कराई थी, इवन दे डिड नॉट नो, अ लॉट ऑफ देम डिड नॉट नो कि ये तलाक तफीज होता क्या है. वो तो रोज़ मतलब आप कह लें ना निकाहनामा देख रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं या उसके साथ इन्वॉल्व हैं, इवन देन दे लाइक ये क्या है. सो इट जस्ट शोज टू यू कि कितनी मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस है जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी, जो कि लॉ को इन्फोर्स करने अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी ऊपर पनिशमेंट है. बिल्कुल, यू नो, तो इवन देन तो आप तो छोड़ देना जिनके पास कोई पनिशमेंट नहीं है, लाइक पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट लाइक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. तो वो हमें ज़रूर फील हुआ कि वी हैव टू री एम्फसाइज, बार बार बताना पड़ेगा कि कोई भी कॉलम जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. तो फिर हमसे वो सवाल पूछते हैं कि ये तो आप कह रहे हैं कि ये तलाक का हक देना ही देना है, ठीक है. अब द थिंग इज कि ये भी आपको बड़ी चैलेंजेस फेस होते हैं कि यू नो, जब जैसे आप डिवोर्स या डेलीगेटेड राइट टू डिवोर्स की बात करते हो तो आगे से आपको ये बैकलैश आता है कि आप तो जी औरतों को तलाक दिलवाना चाहते हैं, या आप तो एक वेस्टर्नाइज्ड एजेंडा है जिसके ऊपर चल रहे हैं, और आप देख लें जी डिवोर्स का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और औरतें जो हैं जब पढ़ लिख जाएंगी तो फिर यही होगा, ठीक है. तो ये तो एक तरफ हम उनको बताते हैं इसका कोई डेटा नहीं है, बस इट्स जस्ट यू नो सुनी सुनाई बातें. अनफॉर्चुनेटली ये सोशल इश्यूज की वजह से ये डेटाज भी बन जाती हैं, यू नो, कि ये हो रहा है और वो हो रहा है. तो दे आर समटाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ट्रूथ्स, वो कहते हैं ना. सो ये परसेप्शंस क्रिएट हुई हुई हैं जो कि फॉल्स हैं, दैट्स नॉट ट्रू. क्योंकि हमने देखा है कि जब औरत के पास डेलीगेटेड राइट टू डिवोर्स है भी इन केसेस, इट्स नॉट नेसेसरी दैट शी इज एक्सरसाइजिंग दैट राइट ना. सो इट्स लाइक ये समझना कि अगर उसको ये हक दिया जाएगा उसने तो फिर पक्का इस्तेमाल करना है उस हक को. जैसे आप कह लेना कि किसी के पास अगर बंदूक है तो उसने तो गोली चलानी चलानी. दिस इज नॉट अ नेसेसरी कोरिलेशन. इसी तरह से लाइक नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक एन इक्वेशन ऑफ तलाक़ तफ़ीज़ विद अ गन, बट डू अंडरस्टैंड द पॉइंट. सो वी डिड फील कि इसके बारे में हम उनको जितनी अवेयरनेस दें वो फिर भी कम है, कि जो भी है अगर आपने डेलीगेटेड राइट टू डिवोर्स नहीं भी देना, यू कैन नॉट क्रॉस इट आउट. सो क्रॉसिंग आउट ऑफ एनी कॉलम निकाहनामा की वो एक जुर्म है. अगर आपने किसी मर्द ने औरत को तलाक तफीज का हक नहीं देना तो उस कॉलम को वो लिखेगा नहीं. बट द प्रॉब्लम इज दैट वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते इसके बारे में, क्योंकि ऑकवर्ड है या क्या है जो भी, तो वो बस काटा जाता है. वो भी काटा जाता है, उसके साथ एक कॉलम है स्पेशल कंडीशंस का, वो भी काटा जाता है, मेंटेनेंस का वो भी काटा जाता है. तो एक लंबी लाइन जो है ना हक महर के कॉलम के बाद बस जो जहाँ जहाँ फाइनेंशियल राइट्स हैं औरतों के या कोई भी प्रोटेक्शंस जहाँ पे हैं वो ऑटोमेटिकली क्रॉस आउट हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल. मैं ज़रा उस पे आना चाहूँगी निकाह रजिस्ट्रार्स की, क्योंकि हम बात कर रहे थे आप लोगों ने एक सर्वे किया था विद निकाह रजिस्ट्रार्स एंड यूनियन काउंसिल ऑफिशियल्स भी थे कि किस तरह उन्होंने, क्योंकि अभी हम औरतों की बात कर रहे हैं तो उनके जो की राइट्स हैं औरतों के इन मैरिज और निकाहनामा के अंदर, तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि निकाह रजिस्ट्रार होता कौन है, उसमें कौन कौन है. बिकॉज अभी भी जब हम निकाहनामा खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है निकाह हुआ, और लोगों को लाइक इट्स स्टिल नॉट स्पेसिफाइड कि डज इट नेसेसरली हैव टू बी अ क्लेरिक, कौन हो सकता है, कौन कौन ये रोल अदा कर सकता है, किसको है इजाज़त कि ओके आप बन सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं. और इम्पोर्टेंस तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, बट ये मैं चाहती हूँ थोड़ा सा. जी जी, तो निकाह ख्वान और निकाह रजिस्ट्रार का जो फ़र्क है वो मैं आपको कानूनी बताती हूँ. निकाह ख्वान जो है वो है जो कि निकाह पढ़ाता है या पढ़ाती है. एक निकाह ख्वान कोई इंसान जो है, लॉ में लिखा है एनी पर्सन, ठीक है.
अब उनका मुस्लिम होना ज़रूरी है, बट एनी पर्सन कैन रीड द निकाह, दैट कुड बी योर मदर, दैट कुड बी एनी फीमेल ऑल्सो. सो दैट्स वन एस्पेक्ट. दे आर नॉट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. सो जो सॉरी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड या लाइसेंस्ड एम्प्लॉयज़ तो निकाह रजिस्ट्रार्स भी नहीं है, बट दे आर ऑथराइज्ड. निकाह रजिस्ट्रार्स जो होते हैं दे आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, दे हैव अ लाइसेंस टू रजिस्टर द निकाह. सो यस, दे कैन ऑल्सो बी निकाह ख्वान्स, बट दे डोंट हैव टू बी निकाह ख्वान्स, राइट? सो अ निकाह ख्वान कैन बी सेपरेट, अ निकाह रजिस्ट्रार कैन बी सेपरेट. And that's the legal position. Nikah registrars are given a official stamp by the union council, you know, to like ensure ke wo register karwa sakte hain. So they are licensed to do this. Okay. And again, the majority of the times are clerics, but it's not a requirement of the law ki nikah registrar banne ke liye aapko ek cleric hona zaruri hai ya aapko ek maulvi hona zaruri hai. Aisa kuch nahi hai. Nikah registrars ki ek application process jo hai wo again any person who is capable, ek certain uski appointment requirements hoti hain wo fulfill karke you can also be a nikah registrar. Lekin generally it is people, you know, masjid mein ya jo koi maulvi hazrat hain wo hote hain aksar. Lekin ye misconception hai ki it has to be a maulvi who will read the nikah, who will register the nikah, because ye practice ek generally bani. Mera apna nikah jab hua tha तो मेरे और मेरे हस्बैंड के एक बहुत अच्छे मेंटोर थे जिनसे हमने निकाह, जिनको हमने कहा था कि वो निकाह पढ़े निकाह ख्वान थे वो हमारे. सो अगेन ही वाज नॉट अ निकाह रजिस्ट्रार ऑब्वियसली, बट एनीवन कैन बी निकाह ख्वान. वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है. जिस तरह मसावी और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कोलैब किया था विद द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के साथ और फिर एक डायग्नोस्टिक स्टडी हुई थी रजिस्टर्ड निकाह नामास के ऊपर, तो मैं जानना चाहती हूँ कि पहले आप थोड़ा सा बताएं कि इस व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दिस एम टू मेक दिस एफर्ट, और उसके साथ साथ लाइक जब आपको रिजल्ट्स व्हेन दे वर डिस्प्लेड तो डिड यू फील लाइक देयर वाज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, लाइक हाउ वाज इट लाइक? जी जी बिल्कुल. सो द नीड आई वुड से सिंपली कम्स फ्रॉम एवरीथिंग यू से इफ इट इज बैक्ड विद डेटा इट हैज पावर. If it is not backed with data, वो उसकी वो जो एक अहमियत है ना वो कम हो जाती है. तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप कहते हैं ना कि जब ये divorce rate increase हो गया but actually उसका कोई data नहीं है तो we know कि this is not true. So हमारी approach हमेशा रही है मसावी में कि जब हम कोई बात करें किसी भी social issue पे या advocacy करें तो उसके साथ हम कोई ना कोई data को back करें. इसलिए हम survey, field surveys, analysis वगैरह करते हैं. So वही अप्रोच थी कि अगर हम मैरिज राइट्स को देख रहे हैं और हम निकाह रजिस्ट्रार्स को बताना चाह रहे हैं कि गैप्स क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो हमारे पास ये डेटा होना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑब्वियसली पॉसिबल, एक रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट ऑफ सैंपल. सो दैट वाज आवर अप्रोच कि एक व्हेन यू स्पीक विद द डेटा एवरीबडी लिसन्स, यू नो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हाउ ग्रेव द सिचुएशन इज, कि कितना इसमें मजीद काम करना ज़रूरी है क्योंकि ये फिगर हाई है या लो है या यू नो व्हाटएवर. तो जब हमें पता चला, फॉर एग्जांपल जब हमने ये कराया तो हमने अराउंड 1100 निकाह नामाज जो थे उसको हमने देखा. दो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे पंजाब में से जिसमें से हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाला और उनके अंदर हमने ये स्टडी किया डिफरेंट एक्शन पॉइंट्स के ऊपर. एक था कि कितने केसेस के अंदर डिस्पाइट कि ये 2015 के अंदर लॉ आया है, इसके बावजूद कितने केसेस में, कितने निकाहनामा में कॉलम्स कटे हुए हैं या खाली छोड़े गए, या जो ब्राइड है उसकी एज नहीं मेंशन, क्योंकि चाइल्ड ब्राइड और वो चाइल्ड मैरिजेस का इशू है. सो हमने देखा कि देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द निकाहनामाज जिसमें ये अभी भी कॉलम्स कटे हुए आ रहे हैं. एंड ऑल्सो हमने ये देखा उसमें, फिर हमने खाली एक तो होता है ना कि जस्ट बाय लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या गैप्स हैं लॉ के हवाले से कि रजिस्टर हुआ है टाइमली कि नहीं. फॉर एग्जांपल पंजाब में रिक्वायरमेंट है लॉ के अंदर कि निकाह जब आपका पढ़ाया जाए सोलमनाइज हो तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है. ठीक है, अब ये भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इंक्लूडिंग निकाह रजिस्ट्रार्स. तो
यू नो वो हमने गैप्स देखे हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो डेट ऑफ सॉलमनाइजेशन भी निकाह में लिखी होती है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लिखना ज़रूरी है जो जब रजिस्टर होगा, तो उससे हमें एक गैप भी नज़र आया. इसी तरह से डिफरेंट एक्शन पॉइंट्स, बट हमने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया टू जस्ट दीज एक्शन पॉइंट्स. हमने सोचा कि एक कॉन्वर्सेशन से भी हमें अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि ये बिहेवियर्स की बात है, यू नो कि व्हाट डू दे थिंक, क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही, तो चैलेंजेस इनको क्या फेस होते हैं, इनके अपने क्या थॉट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग्स से जिससे हमें पता चले. सो उसमें हमने जो उनके साथ एक नॉलेज और एटीट्यूड्स के ऊपर सर्वे कंडक्ट किया, तो वहाँ हमें पता चला जैसे यू नो 86% ऑफ निकाह रजिस्ट्रार्स थिंक दैट वुमेन आर नॉट कॉम्पिटेंट टू निगोशिएट द टर्म्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब उनको लगता है कि उनको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि वो ये उनका काम ही नहीं है, ये तो भड़ों का काम है जिनके जिनके पास ये नॉलेज है कि ये वो करें, या किसी और का है, बस उनका काम नहीं है या उनकी ये कॉम्पिटेंस ही नहीं है. जिसकी शादी हो रही है, जिसकी शादी हो रही है, या जिसने सारी जिंदगी अगली से गुजारनी है. तो इस तरह के हमें जब फाइंडिंग्स भी पता चली तो फिर हमें थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है ना कि क्या हम किस कॉन्वर्सेशन को टारगेट करें, क्या कॉन्वर्सेशन शुरू करें हम. जब आपको जब आप हवाई बात करते हैं ना, वो कहते हैं, तो उसमें फिर उतनी पावर नहीं होती, तो इसलिए एक तो डेटा, बिल्कुल वजन नहीं होगा उस तरह. तो एक तो डेटा था कि ये देखें, ये तो फैक्चुअली हमें जो नज़र आ रहा है ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो ये एक पर्पज था. बट ऑल्सो कि जो हमने सर्वे कंडक्ट किया उसमें आपके एटीट्यूड क्या है, आपकी नॉलेज क्या है मैरिज राइट्स के हवाले से, कि औरतों को क्या हक होना चाहिए. जैसे तलाक तफवीज वो कहने हक नहीं होना चाहिए, ये तो गैर शरई है, ये गैर इस्लामिक है. एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, आई हैव टू यू नो आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट कि मैं यहाँ मेंशन करूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी सो मच सो हाई कोर्ट लेवल तक बी इज नॉट consistent in their decision के निकाह नामा के कौन से कॉलम्स जो हैं गैर शरई हैं और कौन से नहीं हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली हमने ये जब स्टडी की तो इवन आई वॉज शॉक्ड, यू नो, क्योंकि हमने एक तो ये एस्पेक्ट था ना स्टडी का जिसमें हमने निकाह रजिस्ट्रार्स और यूनियन काउंसिल के साथ ये सर्वेज कंडक्ट किए और उनकी डॉक्यूमेंट्री जो निकाह नामा है उसको एनालाइज किया. लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जजेस के साथ भी इंटरेक्शन की और उसके अंदर भी फॉर एग्जाम्पल देर आर जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स इन लाहौर पंजाब में जिसमें कॉलम नंबर 119 है निकाह नामा का. दिस मे बी अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल बट उस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द निकाह नामा कि आप हस्बैंड जो है उसकी डिवोर्स के राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. ठीक है, कॉलम नंबर 19 है राइट आफ्टर कॉलम नंबर 18. जैसे औरतों के पास तलाक तफीज का हक है, मर्द के पास वैसे तलाक का पूरा हक है, यूनिलैटरल राइट है, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ऐड हो सकती हैं. अब वन ऑफ द जस्टिसेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट हैज सेड इन हिज जजमेंट के नहीं हो सकती, it is ghair islamic despite the fact that it exists in the nikah nama to this date. agar aapke paas wo nikah nama aap dekh lenge wo wahi hai. within a span of 4 months another justice of the lahore high court without naming anyone has mentioned ke this column 19 is perfectly fine, it is not, it is part of the law, it is not un-islamic. so for the lower judiciary it becomes quite problematic na ki hum kaun si decision ko follow kare, एक्स जज राइट. सो आई थिंक यहाँ से भी आपको नजर आता है कि इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, कि ऊपर से जी हमें पता चला है कि ये तो नहीं है, तो निकाह रजिस्ट्रार बेचारे की क्या जरूरत कि वो अगर उसके हवाई मतलब बात भी उसकी तक पहुँच गई कि इस तरह ये जजमेंट एग्जिस्ट करती है, तो इट्स वेरी क्या मतलब You push the movement 10 steps back is what I would say. And मैं ये नहीं कह रही कि interpretation जो है कि ये सही है या गलत है, let's not talk क्योंकि ये एक legal debate शुरू हो जाएगी, but point is कि इसमें एक consistency, एक direction, एक आनी चाहिए high courts की तरफ से, बेशक supreme court हो या high court, what is it? The accurate position और वो properly reflect होनी चाहिए. so that's why I was saying कि unfortunately challenges बहुत level पर हैं. खाली निकाह registrars तो एक aspect है इसका, but judiciary भी है इसमें, आपकी general societal के issue मतलब आ जाते हैं, with even you know parliamentarians who are not necessarily on the same page
as you know, what the basic fundamental rights are in the marriage. So we are dealing with those issues, lekin alhamdulillah, you have to keep going forward, mm-hmm. right? Because humne jo baat karni hai, wo legal karni hai, and whatever the law says and what rights it gives, wo aapke protection mein aane chahiye. Like aapko pata hona chahiye uske baare mein. So yeah. I feel like in baaton sun ke yehi lagta hai ki there is a lot of power play at this place. Jo apne position pe jis tarah power execute kar sakta hai, like family jis tarah kar sakti hai, judges ki aapne baat ki, legal system mein nikah register, wo apne level pe jidhar bhi power execute kar sakte hai na, वो कर रहे हैं. और फिर दूसरी साइड ये भी पिक्चर आती है कि अवेयरनेस ही नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, देयर इज नो एफर्ट कि नहीं हम प्रोब करें कि क्या ये हक जो हम दे रहे हैं किसी को, विच इज़ लाइक गोइंग टू कैलकुलेट देयर होल लाइफ बेसिकली, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील लाइक. लेकिन नहीं, वो वाला एटीट्यूड इस चीज़ को लेके नहीं है, क्योंकि लोग यही बात बार बात रीट्रेट की जा रही है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, यही बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है. उसके अलावा मैं एक जो आपकी बातें सुन के एक और चीज़ भी याद आ रही थी कि जो आप लोगों ने ये सर्वे सारा जो ये कोलैबोरेशन हुई थी उसमें आई थिंक आप लोगों ने थोड़े स्टैटिस्टिक्स शेयर भी किए थे और अपने प्लेटफॉर्म पे. तो मैंने एक पढ़ा था, अब नाउ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बट उसमें ये था कि निकाह रजिस्ट्रार्स इतने परसेंटेज कहते हैं कि जो मेंटेनेंस है इट मीन्स के ओबीडियंस टू योर हस्बैंड. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन, इसका क्या मतलब है? लाइक आई थॉट कि ये तो फाइनेंशियल इन नेचर है. तो जी बिल्कुल, असल में ना हमने निकाह रजिस्ट्रार्स स्पेशली और इन ग्रुप जो स्टेक होल्डर्स थे इनके साथ देखा कि बहुत ज़्यादा इस्लाम की एक बात चल जाती है जब भी आप मैरिज राइट्स के हवाले से बात करेंगे, और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते और उसको बैक साइड पे आप नहीं कह सकते कि जी हम तो सिर्फ कानून की बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि हमारा दीनी जो रोल है वो क्या है. और आपको पता है हम एक इस्लामी जमहूरियाँ हैं पाकिस्तान, तो वो ऑलरेडी जब तक निकाह रजिस्ट्रार्स को ये नहीं लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो इस्लाम के दायरे में ही है बात, तब तक वो इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट नहीं आती. तो ये एक जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि हस्बैंड जो है वो मेंटेन करेगा अपनी वाइफ को, वो उसको कोरिलेट करते हैं या उसको कहते हैं कि उल्टा फिर वाइफ जो है वो ओबीडियंट होगी. okay. अगर वो ओबीडियंट होगी तो वो मेंटेन करेगा. सो उसको वो एक किस्म का कंडीशनल काइंड ऑफ बना देते हैं. अब इसमें भी अगेन जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, मतलब हायर कोर्ट की, आई वुडन्ट नेसेसरली से सुप्रीम कोर्ट, बट जिसमें उन्होंने थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि यू नो मेंटेनेंस के साथ ओबीडियंस, और अगर ओबीडियंस नहीं है तो मेंटेनेंस क्या नहीं होगी. और इसमें आई वुड जस्ट यू नो टू सम अप द लीगल आर्ग्यूमेंट्स या जो भी, आई वुड से कि इसमें आपको केस बाय केस और सिनेरियो बाय सिनेरियो देखना होता है, लेकिन जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कभी भी शैटर नहीं होती, वो ख़त्म नहीं हो जाती. आप उसकी डिग्रीज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप कहें कि बीवी विदाउट एनी कॉज कहती है बस मैंने नहीं रहना, और जो है ये लाइक यू नो जस्ट रिफ्यूजेस टू बी विद द हस्बैंड. सो इस सिचुएशन में शुड द हस्बैंड स्टिल मेंटेन हर इफ शी जस्ट डजंट वांट एनी एसोसिएशन विद द हस्बैंड, लेकिन वो डिवोर्स भी नहीं चाहती. सो ये बहुत आपको फैक्ट्स आपको देखने होंगे इंडिविजुअल केसेस के, जिसमें आप कुछ यू नो आगे इसके बारे में फिर कह सकते हैं कि इस केस में क्या होना चाहिए, ना कि एक आप जनरलाइज्ड बात करने लग जाएं कि मेंटेनेंस तो जी है ही कंडीशनल. तो आई डोंट थिंक आई यू नो इफ यू आस्क मी आई डोंट थिंक दैट वुड बी द राइट अप्रोच और द लीगल अप्रोच, इट शुड बी अ केस बाय केस अप्रोच. बट अनफॉर्चुनेटली विद निकाह रजिस्ट्रार्स इट बिकम्स लाइक यू नो क्योंकि इस्लाम और देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम सेज दिस, तो फिर वो उस अकॉर्डिंगली माइंडसेट से चलते हैं. तो ये हमें इश्यूज फेस हुए कि हम जब भी अपना मैसेज दे रहे हैं तो वो उनको समझ आए कि ये कोई जो है दीन और दुनिया दो अलग चीज़ें नहीं हैं. अक्सर हमारी कॉन्वर्सेशन आते हैं ये तो आप दीनी बात कर रहे हैं, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, असल में यू नो ये डिवाइड है. इसी तरह से उनको लगता है कि लॉ और इस्लाम के अंदर भी डिवाइड है. उनको लगता है कि जैसे जो लॉ आया है फॉर एग्जांपल सेकंड मैरिजेस पॉलिगमी जो रिस्ट्रिक्ट करता है हस्बैंड के राइट टू रीमैरी अनलेस ही सीक्स परमिशन फ्रॉम द आर्बिट्रेशन काउंसिल एंड परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ,
तो वो कहते हैं गैर शरई है, यू नो, क्योंकि इस्लाम में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अब अगेन, इस्लाम क्या है, किसका उसका इंटरप्रिटेशन क्या है क्या नहीं, वो बड़ा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है समझाना. कि देखिए, इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम रह रहे हैं, तो जो कानून इसके अंदर बनते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं. और अगर कोई कानून जो है वो गैर शरई हो, तो वो ऑलरेडी एक प्रोसेस के थ्रू वेट हो रहा है. तो जो कानून एग्जिस्ट कर रहा है वो इस्लामिक है. ये मैसेजिंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, दे आर नॉट अगेंस्ट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम. बट लाइक आई टोल्ड यू, देर आर डिफरेंट कॉर्नर्स एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स दैट हैव डिफरेंट ओपिनियंस. सो यू कीप, यू नो, ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्वर्सेशन. Definitely, beautifully put. On that note, I would like to conclude our conversation. Thank you so much for being here. Thank you. Like, bahut, I feel like I'm sure to everyone watching, like, I think you must have taken ek do baatein bhi koi le conversation se, toh it our purpose is served. That's literally hamari jo intention hai, wo yehi hoti hai. But if you are someone who wants to share their opinion, kuch bhi, please do drop it in the comments. You have any questions? कोई आपकी, बिकॉज वी वॉन्ट के इंटेंशन ये है, लाइक आई सेड बिफोर, कि कॉन्वर्सेशन हो, आप लोगों से बात करें, आप अपनी रिसर्च करें. लाइक खतीजा मेंशन के द मटेरियल इज़ राइट देयर. तो इंटेंट बस आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि यू वॉन्ट टू टेक दिस स्टेप फॉर योर सेल्फ और फॉर पीपल अराउंड यू. सो एंड ऑल्सो मुसावी इज़ ऑल्सो डूइंग सम वेरी अप्रिशिएटिव वर्क, तो डू चेक इट आउट. And I will catch you in another episode very soon. Till then, take care. Khuda hafiz.